टॉक ट्रैवल सॉल्यूशंस, कैब बाइक और ऑटो, बस रिचार्ज करो और अपनी गाड़ी बिना कमीशन खुद चलाओ। टॉक, बोलो और चलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकलते हैं आज की अहम खबर पर। डॉक्टर कफील, ये नाम तो याद होगा क्योंकि हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स में ये नाम काफ़ी चर्चों में रहा था कि डॉक्टर कफील को किस तरह से जेल हुई थी, डॉक्टर कफील कितने दिन तक जेल में रहे थे, फिर कितने दिन के बाद उनको जेल से रिहा हुई, फिर उसके बाद डॉक्टर कफील क्या करने वाले थे। खैर बहरहाल कई ऐसे किस्से थे जो डॉक्टर कफील को काफ़ी चर्चों में लेकर आए थे। खैर वही डॉक्टर कफील आज जो है अजमेर शरीफ पहुँचे, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जाकर उन्होंने ज़ियारत की और उन्होंने 800 साल पुराना एक जिक्र भी निकाला ख्वाजा गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह का। तो आइए हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर कफील क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, मांगने वाले आप हैं, देने वाला खुदा। और आज हम जिस जगह पे हैं, ख्वाजा हजरत मोहिद्दीन चिश्ती औलिया के दरबार में, जिन्होंने 800 साल पहले हमें ये सिखाया कि ना कोई गोरा होगा ना कोई काला होगा, ना कोई राजा का बेटा है, चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे जूता सिलने वाले का, चाहे मैला उठाने वाले का, और चाहे किसी नवाब का। अपने साथ उन्होंने नमाज पढ़ाई और इस बात को, जो इस्लाम की सबसे बेसिक बुनियाद है कि इंसान को इंसानियत करना, तो उस चीज़ को सिखाया। कहते थे कि सूरज की तरह रोशन हो, यानी कि उनकी सूरज की जो रोशनी है वो किसी में डिफ्रेंशिएट नहीं करती, मिट्टी की तरह जो है तुम्हारा अखलाक हो, उसको खोदा भी जाता है, पानी भी देती है और फसल भी देती है, और दिल तुम्हारा दरिया की तरह हो, यानी कि आपके कितने समुंदर से कितना भी पानी निकाल लो उस पर कोई असर नहीं होता, आपका भी दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि आप बस लोगों को बांटते रहो। पांच बातें उन्होंने जो बताई उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही कि आपके हाथ एकदम भी खाली क्यों ना हो जाए, लेकिन आप किसी के आगे हाथ ना फैलाओ सिवाय अल्लाह के। आपका पेट अगर भूखे से भी तड़पते रहो, लेकिन ऐसे दिखाओ कि आपका पेट भरा हुआ है। आप जितने भी गमजदा हो, जितने भी दुख हो आपको, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। आपके पास एक रोटी भी हो उसे भी बांट के खाओ, आपका मतलब कोई भी आसपास का कोई भूखा ना रह जाए। और सबसे ज्यादा जरूरी कि दुश्मन को भी गले लगाओ, यानी कि जो भाईचारा मोहब्बत अमन की बात कही 800 साल पहले, आज जो हम हिंदुस्तान में जिस तरह से पिछले 7 सालों में हो रहा है उसको बहरहाल मैं कहना नहीं चाहूंगा, पर इतना कहना चाहूंगा कि अभी वकील साहब ने मुझे एक बात बताई कि यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर पुष्कर का पुष्कर जगह है जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहाँ से गुलाब जो है हर रोज इसी दरगाह पे चढ़ाया जाता है। ये कितनी खूबसूरत बात है। बनारस गया था मैं, जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल, वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।